विवादित पोस्टर लगाने के आरोप में आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दिलीप पांडे के साथ चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद ने दिलीप पांडे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने की शिकायत की थी। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ओखला निवासी अमानतुल्लाह खान ने पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी ली है, ऐसे में दिलीप पांडे की गिरफ्तारी क्यों की गई। आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी बदले की कार्रवाई के तहत ऐसा करवा रही है। पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने दिलीप पांडे की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने विधायकों की खरीद फरोख कर दिल्ली में सरकार बनाने की बीजेपी की योजना फेल कर दी और इसलिए उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवादित पोस्टर लगाने के आरोप में उन्हें कल गिरफ्तार किया गया और अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बदले की भावना में ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी थी जिसे आम आदमी पार्टी ने नाकाम कर दिया, लिहाजा बीजेपी की वजह से यह कार्रवाई हुई है। दिलीप पांडे की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा उनके चार और साथियों की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में कांग्रेस के एमएलए मोहम्मद आसिफ ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उनके विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप बीजेपी पर लगाया था। आम आदमी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गिरफ्तार, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के सचिव दिलीप पांडे सहित तीन लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वजह है ये पोस्टर। दिलीप पांडे पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस के तीन विधायकों के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग लगवाई जिससे धार्मिक उन्माद फैलने की आशंका थी। दो दिनों पहले जामिया नगर इलाके में पुलिस ने रात को गश्त के दौरान होर्डिंग लगा रहे दो लोगों को हिरासत में लिया था। आरोप लगे कि उस होर्डिंग में 17 जुलाई को कांग्रेस के तीन विधायकों आसिफ मोहम्मद खान, मतीन अहमद और हसन अहमद के घरों का घेराव करने की अपील की गई थी। साथ ही तीनों विधायकों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द भी लिखे गए थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब उसने इस मामले की जांच की तो सामने आया आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे समेत तीन लोगों का नाम। बाद में पुलिस ने दिलीप पांडे और राम झा और जावेद खान नाम के दो वॉलंटियर्स को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी दिल्ली के जामिया नगर थाने में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडे समेत दो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है। इन पर आरोप था कि इन्होंने इलाके में ऐसे कुछ होर्डिंग लगाए हैं जिन पे धार्मिक उन्माद फैलने की आशंका थी। इन जो होर्डिंग्स हैं उसमें कांग्रेस के तीन विधायकों का नाम भी लिया गया है कि उन्होंने बीजेपी से साठगांठ करी है। दिलीप पांडे की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, आशुतोष और संजय सिंह जामिया नगर थाने पहुंचे। आशुतोष ने दावा किया कि ये होर्डिंग आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर ने लगवाया है और दिलीप पांडे का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे साथ अमानतुल्लाह भाई साहब खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मैंने करवाया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो और उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा, टॉर्चर किया जा रहा हमारे लोगों के ऊपर कि आप पार्टी के बड़े नेताओं का नाम लीजिए। तो हमने ये पोस्टर लगाया कि भाई, और मैं इस बात को इकरार कर रहा हूँ पिछले तीन दिन से कि मैंने पोस्टर लगाया, मैं आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हूँ, लेकिन मैंने एज ए मुस्लिम, मैं मुसलमान होने के नाते मेरे जज्बात को ठेस पहुंची। मुझे दुख हुआ कि रमज़ान के महीने में ये लोग जिस तरह से मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं उससे आहत होकर के मैंने ये पोस्टर लगाया। वही अरविंद केजरीवाल ने पूरे हंगामे का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। केजरीवाल ने कहा कि हमने खरीद फरोख्त के जरिए दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने के मंसूबों को नाकाम कर दिया, इसी वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसा कर गिरफ्तार किया जा रहा है। मामले में नया पेच तब आया जब कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने इसे केजरीवाल की सोची समझी साजिश बता दिया। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है ना, कि मौके पर भी हो, जो नंबर इनके पास निकले हैं, जो प्रिंटर हैं, जो प्रिंटरों के स्टेटमेंट हैं, वो साफ बिल्कुल क्लियर हो गया है। जाहिर है दिल्ली में एक और सरकार बनाने को लेकर हलचले तेज है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का सियासी पारा अचानक बढ़ गया है।